अच्छा आज जो है ना मेरे हस्बैंड की जो है छुट्टी है, और सुबह मतलब सारा काम इन्होंने कर लिया है। थोड़े से बहुत बर्तन थे वो धोए हैं, और जो है ना अभी यहाँ पे चाय नहीं चलाई आपने अब सही से सब्र कर लो थोड़ा सा। और ये साथ साथ अंडा कैसे बनाया है जैसे और ये देखें मेरी मियाँ जी ने जो ये अंडा बनाया है। टिश्यू दे, अभी वहां जाओ, वहां पड़ा लिविंग रूम रखा हुआ है। इतना प्यारा अंडा बना है, इसमें वो नमक और काली मिर्च डाल दे। और ये आपने क्या किया, इसको जलाया है सेका? चलो भाई जो बना वही खाएंगे। नहीं अच्छा बनाते हैं खाना, वाना जो है ना अच्छा बनाते हैं। माजू माजू आज ब्रेकफास्ट किसने बनाया है? पापा बना रहे हैं, मम्मा ने नहीं बनाया। मम्मा क्या कर रही थी? मम्मा सो रही थी, पापा ने बनाया। चलो कोई बात नहीं, मम्मा का एक दिन आराम करने का होता है। आपको बीयू है? बीयू? क्या कर रही थी? मम्मा का मोबाइल कौन यूज कर रहा था? चार ये उस अंडों के बाद जो है ना ये अंडा बन रहा है। चाय भी चढ़ा दी आप रखेंगे? चाय ना, उसकी गैस ऑन कर दो। चीनी पत्ती आप डालेंगे या मैं डालूंगी? बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। वेरी गुड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रिदा अली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आप सबके दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी कर्टन्स की जो है ना सेटिंग हो चुकी है, और बस हम लोग जो है ना यहाँ पे सारे सामान हटा रहे थे क्योंकि लिविंग रूम की हमने करनी थी सेटिंग। और बस जो जो चीज़ें थी ना, क्योंकि सोफ़ा हमने सबसे पहले आगे लेकर आना था, तो उसके लिए जो है ना सारे सामान को हमें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था सबसे पहले जो है ना हमने उसको जो है अपने कमरे रूम लिविंग एरिया से जो है ना वो बाहर निकाला है। तो उसी के बाद ही जो है ना ये सामान सारा जो है हमारा आगे की तरफ को आएगा, तो ही जो है ये डाइनिंग टेबल पीछे जा सकती है, अदरवाइज इस तरह से डाइनिंग टेबल पीछे नहीं जाएगी। अच्छा जब सेटिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे थे ना, तो उस टाइम इतना आइडिया नहीं हो रहा था कि जो है ना ये चेयर्स वहाँ जाके जो है हमें फोर चेयर्स एक साइड पे लगानी पड़ेंगी और फोर चेयर्स अदर साइड पे। तो जब ये गई है ना जो हमारी टेबल है, जब ये टेबल हम लोग आगे की तरफ खिसकाने लगे ना, तब पता चला कि यार ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि जो है ना आने जाने का रास्ता बंद हो रहा था। बहरहाल अभी जो है ना हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे कि स्क्रू वगैरह जो है यहाँ पे ये ना फिक्स हुई हुई है डाइनिंग टेबल, तो उसको खिसकाना भी ना बार बार हमारे लिए ना थोड़ा मुश्किल क्रिएट कर सकता था क्योंकि ये डैमेज भी हो सकती थी। इसका स्क्रू फिक्स करने वाले जो डाइनिंग टेबल जो लेकर आए थे जहाँ से हमने बाई की थी, तो उन्होंने पूरा जो है ना फिक्स करके गए थे। इस तरह से हम इसको इतना मूव करवा नहीं सकते, बट फिर भी हमने थोड़ा सा रिस्क लिया कि चलो मूव करवा के देख लेते हैं। और मैंने इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा इस लिविंग एरिया की सेटिंग के दौरान जो है ना मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपने हस्बैंड की डांट भी सुनी है। बट ये होता है कि अगर वो डांट रहे होते तो मैं खामोश हो जाती हूँ, अगर मैं कभी हाइपर होती हूँ तो वो खामोश हो जाते हैं। हमारे रिलेशनशिप में तभी जो है ना लड़ाई कभी आगे बढ़ी ही नहीं है, तो इसी तरह चलता रहता है। अभी यहाँ पे तो बस हम दोनों मिलकर सोफे आगे की तरफ कर रहे थे जाके जो है ना डाइनिंग टेबल पीछे जाए, क्योंकि कारपेट था, कारपेट पर डाइनिंग टेबल मूव हो नहीं सकती थी। तो डाइनिंग टेबल को तो हम उठा नहीं सकते थे ना, अगर हमने ज़रा से भी इसको ऊपर से उठाया ना, तो इसके स्क्रू जो फिक्स हुए हैं ना, असल में जो इसके फुट है ना डाइनिंग टेबल के, ये फिक्स हुए हैं हमारी टेबल के साथ, तो स्क्रू भी काफ़ी इसके लंबे वाले हैं, वो हम खुद फिक्स नहीं कर सकते थे, तो उसको बुलवाना पड़ता, तो ये हमारे लिए बिल्कुल जो है ना काम बढ़ जाने वाला काम था। फिर भी हमने रिस्क लिया और ये सोफे में जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ऊपर से हमने अपने कर्टन्स लगाना तो मट्टी आ गई थी, तो वो जो है ना सारे हस्बैंड जो है ना ब्लोअर से मट्टी को सब साफ़ कर रहे थे। और पर्दे जब लगाओ ना तो ड्रिल मशीन वगैरह करो, तो वहाँ पे जो है ना सारी जो दीवार की जो होल करते हैं ना, तो वो सारी जो उसकी जो मट्टी वगैरह होती है वो सब नीचे गिर गई थी, तो वो सब जो है ना हमने क्लीन करा। और सारा कचरा ब्लो कारपेट पे आ रहा था, तो कारपेट को जल्दी साथ ही साथ जो है ना ब्लोअर लगा के क्लीन कर दिया था। तो हमें जो है ना सबसे पहले ये कारपेट भी उठाना था, और क्योंकि कारपेट होगा तो वो डाइनिंग टेबल मूव नहीं हो सकती और हम डाइनिंग टेबल को उठा भी नहीं सकते, और ये बहुत हैवी डाइनिंग टेबल है, बहुत ही ज़्यादा उसके वुड जो है ना बड़ी ज़बरदस्त वाली है। बहरहाल हमने जो है वो रिस्क लिया और किसका, और बस यहाँ पर जो है ना साथ ही साथ हस्बैंड और मैं साथ ही लगे हुए थे क्योंकि सामान बहुत भारी है। हमारे घर का जो फर्नीचर है बहुत ज़्यादा जो है ना भारी है, हैवी है। इनफैक्ट हमारे बेडरूम का जो फर्नीचर है वो तक इतना हैवी है। हमें साइड टेबल भी खिसकाना मिली, वैसे तो साइड टेबल खिसका लेती हूँ इतना कोई वो नहीं है, लेकिन वो साइड टेबल भी काफ़ी हैवी है, दिखने में इतनी सी है लेकिन है बहुत हैवी।
तो फर्नीचर जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा हैवी, बस यहाँ पे हस्बैंड जो है मेरे फ्लोर पे भी जो है ना फ्लोर लगा रहे थे ताकि जो कचरा है ना वो सारा जो है ना आगे की तरफ को हो जाए। और ये हमने खिसका तो लिया था, लेकिन जब मैं ये खिसका रही थी तो मुझे टाइम पर इतनी डांट पड़ रही थी और मैंने यहाँ पे आके वीडियो कुछ देर के लिए बंद भी कर दी थी कि क्या होगा, किस तरह से सेटिंग होगी। मैं इनको यही बता रही हूँ कि देखिए यहाँ पे चेयर्स लगा लेंगे, एक तरफ चार चेयर लगा लेंगे, अदर साइड पे फोर चेयर्स और लग जाएंगी। तो बस वो अपने आप, जब उन्हें गुस्सा आता था फिर वो नहीं बोलते कि देखते कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं ना। तो बहरहाल वो जो है ना टीवी से यूनिट जो है ना वो भी ना कोने पे था, तो मैंने बोला इसको आगे कर दीजिए, बस मैं यही समझा रही थी। यहाँ पे हमारी काफ़ी देर जो है ना हुआ कि यार सिस्टम बन नहीं पाया, तो मैंने कहा बस ठीक है यार मैं नहीं सुन सकती इतना ज़्यादा, आप जो है वापस ले जाएँ। बहरहाल जो है ना वो मेरी बात को मद्देनजर रखते हैं, उनको खुद भी समझ में आ रहा था, असल में बात ये थी कि उनको खुद भी की सेटिंग बहुत अच्छी लग रही थी, तभी उन्होंने बोला कि चलो एक जगह पर ठिकाने लगे रहे कि डाइनिंग टेबल, तो जो है ना मैं इसको आगे कर लेती। तो अभी जो है ना बस डाइनिंग टेबल को मैंने जो मेरे हस्बैंड ने ना मिलकर ठिकाने लगा दिया था, और टीवी यूनिट भी थोड़ा सा आगे आया। जब टीवी यूनिट आगे आया तो थोड़ी बहुत मुझे वहाँ पे मिट्टी दिखी, तो मैंने वहीं से झाड़ू निकाल रही थी, और साथ ही साथ मैंने बोला हस्बैंड अपना काम कर रहा है, मैं जो है साथ साथ जो है ना चेयर्स लगा दूँ। यही होता है कि हम दोनों मिल बांट के काम करते हैं तो हम लोग को पता नहीं लगता है, हमारा काम झटपट से हो जाता है। और ये वाला काम भी जो है ना बस हमने सोचने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा लिया था, क्योंकि कर्टन्स भी जो है ना वो उसकी रेलिंग को सेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, सपोर्ट नहीं ले रही थी, फिर हमने उसके बीच में दो सपोर्ट्स दिए, तब जाके एक सपोर्ट अच्छे से दी हुई थी तो वो उतना लूज़ हो गई थी क्योंकि वो सैगिंग आ रही थी उसमें, तो अब इंशाल्लाह सैगिंग नहीं आएगी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट दे दी अब तो, रेलिंग का भी अच्छे से काम हो गया है। और जो है मैं यहाँ पे बस सीट्स लगा रही थी, और ये साथ साथ टीवी यूनिट पे जो है ना, क्योंकि टीवी यूनिट थोड़ा सा आगे आया था तो तार वगैरह जो है ना वो खींच रहे थे, तो उन्होंने एक्सटेंशन लगाई थी, तो उसी को ही जो सेटिंग कर रहे थे, मैंने कहा वो अपना काम कर रहे हैं तो मैं अपना काम कर लेती हूँ, मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ चेयर्स ताकि काम जो है वो हमारा झटपट से निपट जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो है मेरी बात को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि उनका नहीं था कि ये सेटिंग उन्होंने करनी है, बट मैंने उनसे कहा हुआ था कि मुझे ये सेटिंग करनी है, तो उन्होंने मेरी बात को वैल्यू देते हुए कि सेटिंग की। बट जब डाइनिंग टेबल वहाँ गए तो मुझे ऐसा लगा कि उनको भी ये सेटिंग जो है ना समझ में आ रही है। अच्छा सेटिंग जो है ना बस डाइनिंग टेबल की थी, और अल्लाह का शुक्र है कि डाइनिंग टेबल में इतना डिस्टेंस आ गया था कि आराम से मेहमान आके सीट आके खिसका के जो है ना वो गेस्ट वगैरह बैठ सकते हैं। और बस मुझे ये था कि रमज़ान आने वाले हैं, और रमज़ान में ये होता है कि तरावी वगैरह भी पढ़नी होती है, तो काफ़ी टाइम तक जो है ना जानमाज़ में हमें बैठना पड़ता है, और जितनी इबादत कुरान नमाज हम रमज़ानों में हो सकती है इतनी इबादत जो है ना वो मतलब हम करते तो हैं बट वैसे नहीं हो पाती प्रॉपर वे में ना। तो मुझे यही था कि मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए जगह जो है ना बहुत बड़ी सी चाहिए, तो मेरा मेन रीज़न तो यही था कि मुझे नमाज़ पढ़नी है, सुकून से पढ़नी है, मुझे जगह बहुत अच्छी सी चाहिए। वैसे तो यहाँ सामने मस्जिद है, वहाँ जाके भी औरतें पढ़ सकती हैं तरावियाँ, पर जो है मेरा बच्चों का साथ है, इतनी देर में वहाँ बैठ भी नहीं सकती, तो बस यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना कारपेट बिछाने लग गए थे कि कारपेट को भी अब सही से बैनर हम देख रहे थे कि वहाँ कहाँ किस तरह से करना है। बट टीवी के सामने कारपेट रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे जो है ना ज़्यादातर ये होता है कि कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं बैठ रहे हैं, तो वहाँ पर टीवी के सामने लगा के अपना पॉपकॉर्न वगैरह के बैठ जाते हैं, क्योंकि मैं बच्चों को मना कर देती हूँ सोफ़े में ना बैठो इतना ज़्यादा है, सोफ़े ख़राब हो जाएंगे। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो कारपेट को भी यूज़ कर लेते हैं और मम्मा की बात को बहुत अहमियत देते हैं, सम टाइम नहीं भी देते अपनी जब मूड में होता है। तो मैं हस्बैंड को ये कह रही थी कि पूरा कारपेट जो है ना सोफ़े को पूरा सोफ़ा जो है ना कारपेट के ऊपर रखें, थोड़ा सा वो बाहर जा रहा था उसका फुट, तो बस यही समझा रही थी। अब मुझे यहाँ पे हंसी आ रही थी, मेरे मियाँ मुझे कह रहे थे क्या सेटिंग कर रही हो, पहले वाली सेटिंग अच्छी थी ये वो, जबकि मुझे पता है इनका खुद का भी दिल कर रहा था सेटिंग देखे कि हाँ यार ये सेटिंग होनी चाहिए, बट वो आदत होती है ना हस्बैंड्स की, और जब ये कुछ बोलते ना तो मुझे हंसी आ रही होती है, आगे से यहाँ मैं खामोश हो जाती हूँ, जब ज़्यादा गुस्से में होते तब नहीं हंस सकती मैं, लेकिन जब ये बोलते हैं ना तो मैं खामोश हो जाती हूँ, मुझे पता है कि अब मैं बोलूँगी ना तो बात आगे बढ़ेगी, इससे बेहतर है बंदा खामोश हो जाए, अपना काम तो हो रहा है ना, भले डांट खा लो डांट खा लो थोड़ी बहुत, अपना काम तो एटलीस्ट हो ही रहा है ना। बहरहाल इज्जत भी बहुत करते हैं, मोहब्बत भी बहुत करते हैं, केयर भी बहुत करते हैं, ये सिर्फ मेरे कहने पे सेटिंग चेंज हुई है, जस्ट मेरे कहने पे, वरना इनका कोई भी इरादा नहीं था। बट जब सेटिंग हो गई ना तो इनका मूड भी काफ़ी अच्छा लग रहा मुझे था, मुझे मैंने जब इनका मूड देखा तो कहने के अब चलो ठीक है बेहतर है, और जो है ना बस देखिए ना कितना एरिया जो है ये खुला खुला सा हो गया, बस अब सारी सेटिंग डन हो चुकी थी, हमारी जो एक्स्ट्रा सामान था ना वो मैं उठा के सीमेंट रही थी, क्योंकि मैंने सफाई की नहीं की हुई थी, सुबह नाश्ते के बाद ही मैंने हस्बैंड को उस काम पर लगा दिया था। अच्छा तो फ्रेंड अभी जो है ना ये कंडीशन है लिविंग रूम की, ठीक है, अब जो है सेटिंग हमने पूरी चेंज कर दी है, टोटली चेंज्ड। तो जो डाइनिंग टेबल यहाँ हुआ करती थी उसको हम ले गए वहाँ पे,
और जो है अब कुछ कंडीशन ऐसी है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है, पहले तो इरादा चेंज होकर करते करते हमारी डाइनिंग टेबल यहाँ पे आने के बाद भी हम लोगों ने सोचा कि तो वापस ले जाते हैं उसको, क्योंकि ये जो चेयर्स है ना वो दो अलग है, जो इधर इधर चेयर्स लगती है ना वो जो है ना वो थोड़ी अलग टाइप की है, इधर इसके सपोर्ट भी दी हुई है, बाकी और चेयर्स में जो है ना वो सपोर्ट इस तरह की जो है वो नहीं, जैसे कि दे सकते हैं आप, ठीक है। तो बहरहाल हमने चार चार यहाँ पे लगा दी हैं, अब इतना कोई नहीं देखता। तो ये भी थोड़ा सा आया है कि ये तार वगैरह दिख रहे हैं, बट इसको भी हमने थोड़ा इग्नोर कर दिया है। और बट ये है कि जगह जो है ना, आप यहाँ से देखें जगह बहुत सारी हो गई है। बेटा आवाज़ कम करो, कॉपीराइट आ जाता है ना। अच्छा तो बस ये डाइनिंग टेबल, अब यहाँ पे आने जाने का रास्ता ब्लॉक होगा ना, तो इसी वजह से जो है ये दोनों चेयर्स हमने यहीं पर ही लगा दी हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे भी इसको रखने के लिए हमें चाहिए थी जीस लैंडलाइन को, बट अब लगता नहीं है कि ज़रूरत पड़ेगी, और फिर भी जब खाना वाना खाएंगे तो ये डिस्टर्बेंस होगी इसको। बहरहाल एक ये तार वार दिख रहे हैं, इसको भी आगे लेकर आए हैं, और वरना ये छुपा हुआ था इससे ना, और ये एक तरफ कोने में टीवी पड़ा हुआ अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो उसको बीच में लाना भी ज़रूरी था। और जो है ये सोफ़ा यहाँ पे लगा दिया है, और एक वहाँ पे लगा दिया है, और दो जो हैं सोफ़े इधर लग गए हैं, ठीक है। अभी भी कचरा पड़ा हुआ है, साफ़ नहीं किया मैंने कहा जल्दी जल्दी से जो है ना आपको वीडियो बना के दिखा दूँ। और कारपेट जो है ना इस हिस्से में आ गया है, और काफ़ी बड़ी जगह हो गई है, मतलब अब जैसे नमाज होगी और तरावी वगैरह पढ़नी होगी तो उसके लिए माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह जो है ना वो हो गई है। और बच्चों की सबसे बड़ी बात है, बच्चे हैं वो घर में ही होते ज़्यादातर, तो वो उनके लिए खेलने के लिए बहुत ज़रूरी था थोड़ा बड़ी जगह ना, तो इस लिहाज से भी जो है ना मुझे सेटिंग चेंज करनी ही थी। बहरहाल जो हो गई है ये आपके सामने है, और मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है सोबर सी, काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे एरिया खाली मिल गया, ओपन एरिया मुझे मिल चुका है, जैसे बच्चे भी आराम से अपना बैठ के खेल भी सकते हैं, कुछ भी एरिया जो अपना प्ले का यहाँ पे भी अपना कारपेट डाल के छोटा सा बैठ के खेल सकते हैं। बाकी यही था जो मैंने सेटिंग चेंज की, मैंने कहा आप सबसे शेयर करो क्योंकि आपके कमेंट्स आए हुए थे कि सेटिंग चेंज करें अपने लिविंग रूम की, तो ये आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे भी एक कोना जो है ना कॉर्नर, कोने पे जो है ना कॉर्नर ला के डालूंगी इंशाल्लाह, और यहाँ पे भी कुछ सेटिंग करनी। वैसे मेरे पास मिरर भी है, वो जो वॉल मिरर होते हैं ना वो भी हैं, बट अभी हस्बैंड के पास वो स्क्रू कील जो होती है ना नेल्स वगैरह उसका थोड़ा वो नहीं है, साइज़ वगैरह नहीं एक्यूरेट आ रहा, तो वो बाद में लगाएंगे, तो जैसे ही वो लगाएंगे वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ये पर्दे देखें माशाल्लाह, रेलिंग तो वही है बट सपोर्ट हमने दो और दिए बीच में, जिसकी वजह से जो है ना अच्छे से जो है ये हो गया है। अच्छा इसको टाई भी कर सकते हैं पर्दे को, बट ये ऐसे खुला हुआ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने वो टाई नहीं करवाया जैसे वो रूम में हुए मैं ना। और यहाँ पे इंशाल्लाह ये पर्दा लगाना है, बट रेलिंग तो है, रेलिंग के जो होते हैं ना सपोर्ट, सपोर्ट्स में से कुछ पार्ट जो है ना वो मिस है, तो वो एक पर्दा भी यहाँ पर जो है मैं लगवाऊंगी, क्योंकि ये दिखते हुए अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, अगर चैनल पर है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा। लव इज़